नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीब कन्याओं के विवाह कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन कर रही है। इसी योजना के अंतर्गत जालौन के कोच में अशोका पैलेस के ग्राउंड में समाज कल्याण विभाग के द्वारा 21 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस विवाह समारोह में नव दंपति को जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गृहस्थी का सामान भी उपहार स्वरूप भेंट किया गया। इस अवसर पर जालौन के समाज कल्याण अधिकारी बीआर प्रजापति ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी कराई जाती है और उस बेटी के खाते में शासन के द्वारा 20,000 रुपए तथा 10,000 रुपए के सामान भी दिए जाते हैं। 5,000 रुपए उसके खान पान की व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। इस अवसर पर कोच के ब्लॉक प्रमुख इंद्र कुमार निरंजन ने अपनी तरफ से नौ दंपतियों को 10,000 रुपए का सामान उपहार स्वरूप भेंट किया। देखिए, इसमें जो शासन से निर्धारित है 20,000 रुपए तो बच्ची के खाते में जाना है, 10,000 रुपए का उसको सामान मिलेगा और 5,000 रुपए ये टेंट खाना पानी की व्यवस्था के लिए है। तो जो सामान है वो हम लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था तरीके से दिया है। इसमें एक मोबाइल फोन है और पायल बिछिया चांदी के मंगलसूत्र वही है, एक बक्सा है, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट और एक डिनर सेट जिसमें 51 बर्तन हैं, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। देखिए, चूँकि अभी ये योजना नई है, इस साल ही प्रारंभ हुई है, तो हम लोगों ने एक जिले लेवल पे करवाया था 9 फरवरी को हुआ था, जिसमें 51 जोड़े सम्मिलित हुए थे और आज पूरे समस्त विकास खंडों में और टाउन एरिया में ये कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। हमारे जो विकास खंडों में वो 140 रजिस्ट्रेशन हुए थे और टाउन एरिया में 23 यानी 23 रजिस्ट्रेशन हुए थे। ये शादियाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराई जा रही है। इसमें रजिस्ट्रेशन 26 के हुए थे लेकिन कुछ कारणवश 5 जोड़े नहीं आ पाए, 21 का विवाह संपन्न हुआ, 21 जोड़ों जी। तो इन लोगों के कोई सामान भी दिए गए हैं? इसमें सरकार की तरफ से तो एक बॉक्स है, उसमें साड़ियाँ हैं और मंगलसूत्र है, पायल है, फोन है, छिया है और जो अन्य सामान दिया गया है वो दान रूप में पलंग कुर्सी दहेज का जो भी सामान है वो बेटे द्वारा गरीब लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो हम ही लोग या हमारे लोगों ने सब करके दिया। एक लड़की पक्ष आया था, लड़का पक्ष नहीं आया? नहीं, सुनने में आया है लेकिन अभी तक ऐसा तो हमें तो नहीं आया। अब आपको आया हो, 21 जोड़े बताए गए हैं, 26 में से 21 जोड़े आए हैं और 5 नहीं आए हैं, जिसमें 14 कोंच ब्लॉक के हैं और 7 नदी गांव ब्लॉक के।